गोरखपुर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन न्याय के तहत एसएसपी दिनेश कुमार पी ने गुरुवार को थाना कैंट के 15 पुराने मुकदमा वादी व विवेचकों के साथ बैठक किया और मुकदमों के गुणवत्ता पूर्वक शीघ्र निस्तारण हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार, प्रभारी क्षेत्र अधिकारी कैंट श्याम देव, एसएचओ कैंट सुधीर सिंह भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि विवेचना के कारण पड़े लंबित मामलों को समयबद्ध तरीके से निस्तारण के लिए एसएसपी दिनेश कुमार पी ने ऑपरेशन न्याय अभियान शुरू किया है, जिसमें लंबित मामलों के विवेचक और वादकारी एक साथ बैठ के मामलों की विवेचना कर सकेंगे और वादकारियों को समय से न्याय मिल सकेगा। जिसके संबंध में एसएसपी दिनेश कुमार पी ने कहा कि ऑपरेशन न्याय अभियान के तहत मुकदमा वादी की संतुष्टि हेतु मुकदमा वादी व विवेचकों के साथ बैठक की गई है। मुकदमे के निस्तारण में आ रही समस्याओं से अवगत होकर शीघ्र निस्तारण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी दिनेश कुमार पी ने कहा, देखिए ये गोरखपुर पुलिस के द्वारा न्याय अभियान चलाया जा रहा है, ऑपरेशन न्याय, जिसमें लंबे समय से थाने पे पेंडिंग विवेचनाओं के संबंध में ऊपर से नीचे तक सभी अधिकारीगण थाने पे मौजूद रहेंगे और उनकी वादी से मुलाकात किया जाता है, जिसमें विवेचना अधिकारी भी रहते हैं, एसएचओ भी रहते हैं, संबंधित जनपद सर्किल की डिप्टी एसपी भी रहते हैं, संबंधित उसकी एसपी एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी भी रहते हैं, फिर हम स्वयं एसएसपी के रूप में रहते हैं और तफ्तीश में जो भी दिक्कतें आ रही है उस संबंध में बातचीत किया जाता है और उसमें जो कुछ भी कमियां हैं उसका पूरा करके जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी है या फिर अभिलेखीकरण एकत्रितकरण ये सब करना हो तो वो कराते हैं, कहीं बाहर जनपद में बाहर राज्य में दबिश भेजना है उसका निर्णय लिया जाता है, परमिशन कि अगर ज़रूरत है तो फिर सीनियर अधिकारियों से परमिशन भी लिया जाता है। कुल मिलाकर वादी की बात सुन के वादी को संतुष्ट करने की बात है, दूसरी तरफ विवेचक को जो कुछ भी रिसोर्सेस की आवश्यकता है विवेचना पूरी करना है तो उस संबंध में सारे रिसोर्सेस उनको देके जल्द से जल्दी विवेचना तफ्तीश पूरा करके उनको वादी को न्याय दिलाने की एक मंशा के साथ ये अभियान हम लोग चला रहे हैं।